फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आपका हमारे चैनल D2 गुट्टू। एंड अब तो हमारे पास राधे भी है, तो हमने इसके साथ राधे भी जोड़ दिया। फ्रेंड्स, हमने जो है एक पोस्ट डाली थी, एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे कि जिन भी हमारे फ्रेंड्स के जो भी पेट्स हैं उनके नाम इसके साथ हमको सेंड करें और हम उनको आपके साथ शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इंस्टाग्राम पे जो हमारे फॉलोवर्स हैं उन्होंने हमें जो भी अपने पेट्स की फोटो शेयर की है उनको हमने एक नंबर ही डाली है, मतलब कि जैसे फोटो नंबर 1, 2 सीरियल नंबर एज ए सीरियल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई स्पेशल फोटो है कि हमने पसंद की है, लाइक किया फर्स्ट नंबर पे, नहीं। मतलब हमने एक सीरियल नंबर दिया है तो आपके साथ हम वो सभी फोटो शेयर करने वाले हैं। और जिन भी हमारे फ्रेंड्स ने फोटो शेयर की है अपने पेट्स की, वो अपने मतलब वो सीरियल नंबर देख के बताएं कि कौन से नंबर पे उनके पेट्स की फोटो हैं। और जो वो फोटोज हैं, जो बाकी हमारे फ्रेंड्स हैं जिनकी वो पेट्स नहीं है, मतलब वो फ्रेंड्स हमें बताएंगे कि आपको कौन से नंबर की फोटोज अच्छी लगी, मतलब सबसे प्यारे आपको कौन से पेट्स लगे, आप उनको जरूर मेंशन कीजिएगा। जो फर्स्ट सीरियल पे है हमारी फोटो वो है रियो एंड नियो की, जो कि 4 मंथ के हैं। और ये जो हैं, इन्होंने जिन्होंने भी मतलब ये फोटो शेयर की है उन्होंने इनको बहुत ही अच्छे से रखा है। आप फोटो में देख सकते हो कि कितना प्यारा स्टैंड बनाया है उन्होंने साइड पे, और जो साइड में एक बास्केट सी रखी है क्योंकि छोटे छोटे हैं ये, उसमें आ सकते हैं आराम से, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, क्यूट हैं। जो सेकेंड नंबर की सीरियल है, मतलब सीरियल का जो फोटो है वो है प्रतीक और डैनिक की। ये जो है सन पैरट्स हैं, तो ये देख सकते हो आप सन के कलर के हैं, कितने क्यूट हैं ये और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये सन कॉर्नियो पैरट हैं और इनकी एज शायद नहीं लिखी गई है इस पे, हमको ओनली नेम है इनके, प्रतीक और डैन। हमारे पास जो पिक्चर आई है वो है सुल्तान की, और जिसकी एज है 2 मंथ्स और वो बहुत ही प्यारा सा बेबी है। आप देख सकते हैं फोटो में बहुत ही क्यूट स्वीट लग रहा है और आराम से बैठा है, बिल्कुल बोला सा। जो नेक्स्ट हमारे पास फोटो है वो है कान्हा की, और इसमें आप इसके 4 पोज देख सकते हैं वो फोटो के अंदर, और इसकी एज जो है वो 3 मंथ्स है। और मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत शरारती है क्यूट तो है बट शरारती भी है। जो नेक्स्ट फोटो आई है हमारे पास वो है राधे की, वो 6 मंथ की एज का है, बट इसमें फोटो में मिस यू लिखा है। अब क्यों लिखा है वो हमें नहीं मालूम है, शायद वो उड़ गया है या शायद कुछ भी ट्रेजडी हो गई है, बट फिर भी वो बहुत प्यारा है। नेक्स्ट हमारे पास है जो फोटो, उसमें एक पैरेट का नाम है रियो जिसकी एज 1 ईयर है, और एक का है मिट्टू जिसकी है 5 ईयर्स, और वो बहुत ही धूप सेक रहे हैं आराम से बाहर। आप फोटो में देख सकते हो पैरेट, एक पैरेट बाहर है एक अंदर है केज के, और वो बहुत मजे ले रहे हैं धूप के, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आपको कैसे लगे? पैरेट्स के लिए धूप भी जरूरी है, तो इस फोटो में आप देख ही सकते हो इनको धूप भी लग रही है, तो थोड़ी बहुत ही जरूरी है उनके लिए। नेक्स्ट फोटो हमारे पास मिट्टू की है, जो कि 1 ईयर एज का है, और बड़े ही मजे से वो फ्रूट का टेस्ट ले रहा है। कौन सा फ्रूट है वो मुझे नहीं नजर आ रहा है, बट वो बहुत ही इंजॉय कर रहा है, उसको दिख ही नहीं रहा आसपास क्या हो रहा है, फ्रूट खान में मस्त है। नेक्स्ट फोटो जो है वो है हमारे पास मिट्टू की, जिसकी एज है 50 डेज, और ये इतना प्यारा लग रहा है, आप भी देख सकते हो फोटो में सो रहा है ये, सोता हुआ कितना क्यूट लग रहा है। और जो इसके बाहर ना कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं, शायद पेड़ के आसपास है, तो अच्छा एनवायरनमेंट मिला हुआ है इसको। नेक्स्ट फोटो जो है वो है हमारे पास बेरी और चेरी की, और बेरी और चेरी बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आई थिंक इनको आप टोमेटो दे रहे हो जो कि ज्यादा क्वांटिटी में है, तो टोमेटो आप अगर देते हैं तो प्लीज थोड़ी क्वांटिटी में दीजिए, वो उनके लिए ज्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट है लवली, जिसकी एज है 9 ईयर्स, और ये वाकई बहुत लवली है, जैसा इसका नाम है वैसा ये है, लवली लवली। नेक्स्ट फोटो जो है हमारे पास वो है टीटू की, जो कि 11 मंथ्स जो उसकी एज है, और ये जो फोटो आई है हमारे पास ये दुबई से है, जिन्होंने लिखा है लव फ्रॉम दुबई, आपको भी बहुत सारा लव। और ये जो हमारे फॉलोअर हैं ये बहुत ही अच्छी फैमिली है इनकी, इनकी 2 बेटियां हैं बहुत क्यूट सी, तो थैंक यू, आपको भी हमारे लिए हमारी तरफ से बहुत सारा लव। नेक्स्ट फोटो जो है हमारे पास वो है, वो मैं आपको जरा देख के बताऊंगी क्योंकि वो मुझे पढ़ना है याद नहीं हो रहा। पोपलू, गोलू, गोलू एंड मीना, ये 4 पैरेट्स हैं बट इनकी एज नहीं है, बट ये पोपलू, गोलू, मीनू बहुत अच्छे हैं।
और ये देखिए आप नाम कैसे सुनने आया मेरे पास, ध्यान से देख रहा है, ये भी देख रहा है मोबाइल के अंदर कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है। आप नहीं हो अभीश के अंदर, आप यहीं पे बैठे हो, ठीक है। इनकी एक फोटो और है, पोकलू वालों की, पोकलू की फोटो है वो, जिसमें वो प्लास्टिक के पैर पे बैठा है और बहुत ही ध्यान से वो पैरट को देख रहा है। और ये देखिए आप गुट्टू को देखिए कितने ध्यान से ये देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या काम हो रहा है, मैं भी सीख लूँ जरा क्या काम हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट है मुन्नू चुन्नू, जो कि एक रैबिट है और व्हाइट कलर की है, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं मुन्नू चुन्नू। हमारे पास भी रैबिट्स हैं जिनका नाम है हनी बनी, टू रैबिट्स हैं और इनको एनवायरनमेंट भी ग्रीन ग्रीन मिला हुआ है, बड़ा अच्छी फोटो है इनकी। जो नेक्स्ट फोटो है वो हमें, जिनकी फोटो पोपलू भोलू वाली थी उन्होंने शेयर की है, वृंदा और गोली जो कि काओ है। तो आप देख सकते हैं फोटो में कितने अच्छे स्टाइल से बैठी हैं और बड़ी ही प्यारी है, बड़ी ही सुंदर है। नेक्स्ट फोटो जो है वो है बबलू की और आप फोटो में देख सकते हैं ये भक्ति में लीन है गणेश जी की, ये भक्ति पूरी कर रहा है, आई थिंक पूरी भक्ति करता है, बड़ा प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सच में बहुत भगवान जी की पूजा कर रहा है। हमारे पास पोपलू की ही है नेक्स्ट फोटो भी, आप देख सकते हो कंबल में बैठा है बड़े आराम से, ठंड में बहुत ज्यादा ठंड में मजे ले रहा है कंबल में। नेक्स्ट फोटो है हमारे पास घुंटा और स्वेटी की, जो एक काओ और डॉग है और ये भी उन्हीं ने हमें फोटो भेजी है, जो जिनके पैरेट्स पोपलू हैं, पोपलू, ठीक है। और क्योंकि वो जो है एनिमल लवर्स हैं तो वो उन्होंने इतनी सारी फोटो इसलिए क्लिक की है क्योंकि खुद एनिमल से बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट फोटो भी पोपलू वालों की है और वो तीनों पैरेट्स आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से एक ही स्टाइल में सो रहे हैं, वो एक ही स्टाइल से बैठी है। और जो उससे नेक्स्ट फोटो है वो भी इनकी है और उसमें भी वो सेम पॉज में बैठी हैं तीनों की तीन, आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। नेक्स्ट फोटो है हमारे पास जेम्स की, जो कि 3 इयर्स का है और आप फोटो में देखो भी कैसे देख रहे हो बाहर, जैसे पता नहीं किसी का इंतजार कर रहा है, जैसे किसी का बहुत इंतजार हो रहा है, लेकिन जो भी है बहुत प्यारा है। नेक्स्ट फोटो है हमारे पास रेहान की, इसकी एज नहीं लिखी है लेकिन इसकी आप पोज देख सकते हो, छोटा सा बेबी लग रहा है, बहुत प्यारा है, फर्श पे बैठा हुआ कितना अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो फोटो में। नेक्स्ट फोटो है लकी, जिसकी एज है 5 मंथ और ये एक छोटा सा पपी है जो कि मुझे शेर जैसा लग रहा है, इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है शेर बैठा है छोटा सा। नेक्स्ट फोटो है लक्ष्मण की, जिसकी एज है 1.5 महीने और मुझे सिर्फ इसकी फोटो देख के याद आ गई कि लक्ष्मण रेखा है, इसमें लक्ष्मण रेखा बनी हुई है, उसी पे बैठा हुआ है शायद ये, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मीठू, जिसकी एज है 3 मंथ्स और मीठू तो मीठू ही होते हैं, आपको पता है मीठू मीठे मीठे है और देखना इसकी शक्ल कितनी मीठी मीठी सी है, बोला बोला सा। नेक्स्ट है हमारे पास बजरी की फोटो, जो कि बजरी घर की ही ब्रीड है, येलो कलर का है ये, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा है और जो कलर होते हैं ना इनके बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट फोटो है हमारे पास हसनैन की, ये प्लम हेडेड पैरेट है, आप देख सकते हो फोटो में और इसकी फोटो में आपको दिख रहा होगा बॉल जैसा इसका फेस बना रखा है इसने, गोल गोल बिल्कुल बॉल जैसा, आप देखो इसको जो फर्स्ट फोटो है इसकी। नेक्स्ट फोटो हमारे पास आई है सिंगू की, जो कि 7th मंथ का है और आप इसे फोटो में देखिए डॉन की तरह बिहेव कर रहा है, ये डॉन लग रहा है बिल्कुल, देखिए कैसे सीना चौड़ा करके खड़ा है एकदम डॉन की तरह। नेक्स्ट फोटो है हमारे पास किंग पैरेट की, जो कि 2 पैरेट्स हैं और इनके साथ एक किड भी है और ये किड भी बहुत प्यारा है और पैरेट भी बहुत प्यारे हैं, दोनों को बहुत सारा प्यार। नेक्स्ट फोटो है मिठुड़ी की, आप देखो मिठुड़ी कितनी मिठुड़ी है और आराम से बैठी है बिल्कुल अंदर घुस के अपने। नेक्स्ट फोटो आई है बिट्टू की, जो कि 1.5 साल का है और आप देख सकते हैं इसके अलग अलग पोज है, ये कुछ खा रहा है, आई थिंक कोई फ्रूट खा रहा है और फ्रूट इनके लिए अच्छे होते हैं। नेक्स्ट फोटो है देखिए आप हमारे पास मिट्टू रफीक की, जिसकी एज है 6 ईयर और ये मिरर में देख के अपने आप को कुछ बात कर रहा है और आपको पता है पैरेट्स को जो है मिरर बहुत पसंद होते हैं और देखिए आप फोटो में कुछ बोल रहा है। नेक्स्ट फोटो है हमारे पास सोफी की, जो कि एक कैट का बेबी है, इनकी किटन है और इसकी एज है 1 मंथ और देखिए आप कितनी सोफी सॉफ्ट सॉफ्ट। नेक्स्ट
फोटो है T2 की, जिसकी एज है 12 इयर्स, पर ये हमारा T2 नहीं है, ये किसी और का T2 है और उसकी एज भी हमारे T2 से ज्यादा है, लेकिन ये दिखता बिल्कुल T2 जैसा है ना, T2 आपके जैसा है ना। फोटो है हमारे पास चीनू की, जिसकी एज 18 इयर्स ओल्ड है और ये बड़ा अपने फेस को फ्लफी सा करके बैठा हुआ है, ऐसे फुला के आप देखो बड़ा मतलब ऐसे करके फेसते इतना अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट है राधे, पर ये वो राधे नहीं है, ये है दूसरा राधे, लेकिन ये भी बिल्कुल राधे जैसा दिख रहा है, छोटा सा है ना राधे, आपकी कॉपी भी आ गई ठीक है। नेक्स्ट फोटो है हमारे पास एलियन की, जो नहा धो के एलियन जैसा ही लग रहा है, आप फोटो भी देख सकते हो कि कैसे नहा के एलियन जैसा लग रहा है। नेक्स्ट फोटो है हमारे पास गुल की, जिसकी एज है 5 ईयर्स, तो गुल जो है बड़ा चुलबुल लग रहा है, और गुल वालों की हमारे पास एक और फोटो आई है, वो है लड्डू की, जो एज 16 लिखा है, डेज है मंथ है ये नहीं पता चला, लेकिन एज 16 लिखा है उसने, और जो है लड्डू की तरह ही वो हाथ में लग रहा है लड्डू जैसा। एक और फोटो है गुल वालों की भेजी है, पर उसको कोई नाम डिसाइडेड नहीं किया हमने, पैरेट का नाम, तो अगर आप उनका नाम डिसाइड करना चाहते हो तो आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। नेक्स्ट फोटो आई है राधू की, जिसकी एज है 2.5 साल, और वो एक रैबिट है, और उसका आई थिंक बर्थडे है, बर्थडे पे उसकी कैप लगी हुई है, आप देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप भी अपने पेट्स की फोटोज भेजना चाहते हैं तो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इंस्टाग्राम पे हमें शेयर कर सकते हैं अपने पेट्स की फोटोज, आइडिया इंस्टाग्राम की जो आइडिया है वो नीचे स्क्रीन पर आ रही है, आप देख लीजिएगा, तो वहाँ पे आप शेयर कीजिएगा।